हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे पेंटाप्राजोल इंजेक्शन के बारे में। पेंटाप्राजोल इंजेक्शन इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस है पेंटॉप के नाम से, जो कि हमारे पेट के अंदर जो एसिड बनता है उसको रोकने में मदद करता है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि पेंटाप्राजोल के और क्या फ़ायदे हैं, क्या इसका कोई नुकसान भी है और इसे कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे पास पेनविस्टा के नाम से पेंटाप्राजोल इंजेक्शन है, जो कि 40 mg की मात्रा में आता है। इसे हमेशा IV के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इसे इंट्रावीनस ही दिया जाता है, कैनुला लगाकर या फिर डायरेक्ट इंजेक्शन के माध्यम से इसे नस के अंदर लगाया जाता है। कभी भी इस इंजेक्शन को आप IM देने की कोशिश ना करें, वरना इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले जानते हैं पेंटाप्राजोल के क्या क्या फायदे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये हमारे जो पेट के अंदर जो बार बार एसिड बनता रहता है, जिनको एसिडिटी की दिक्कत बहुत ज़्यादा रहती है, एसिड का निर्माण बहुत अधिक मात्रा में होता है, उसको यह कम करने में मदद करता है। तो इसका मेनली इस्तेमाल किया जाता है एसिड की समस्या को दूर करने के लिए। हमारे पेट के अंदर या आंतों के अंदर किसी भी वजह से एसिड की कोई बीमारी बनती है तो उसको यह ठीक कर देता है। एसिड की बीमारी बहुत सारी हैं, जैसे कि एसिड रिफ्लेक्स हो जाना, GERD हो जाना। GERD का मतलब होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिफ्लेक्स डिजीज, यानी कि हमारे बॉडी में बार बार एसिड का निर्माण होता रहता है। इस कंडीशन में आप पेंटॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बीमारी होती है पेप्टिक अल्सर, यानी कि जो पेट के अंदर बार बार छाले पड़ जाते हैं, उन लोगों के लिए भी पेंटाप्राजोल इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। चाहे वो इंजेक्शन के तौर पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर वो कैप्सूल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पेंटॉप की गोली भी आती है, उसके कैप्सूल भी आते हैं, उसका इस्तेमाल करके भी पेट के अंदर जो छाले पड़ते हैं, पेप्टिक अल्सर हो जाते हैं, उस समस्या को ठीक कर सकते हैं। एक सिंड्रोम होता है जिसे हम जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। यह बहुत ही रेयरेस्ट डिजीज है, यानी कि जिन लोगों को बार बार गैस बनती रहती है, गैस बनने की वजह से बार बार एसिड बनता रहता है, उन लोगों को यह बीमारी लग जाती है, जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। बहुत ही कम लोगों के अंदर यह समस्या देखने को मिलती है, लेकिन इस समस्या में भी आप पेंटॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, पेंटाप्राजोल कुछ इस प्रकार के फॉर्मेट में आता है। इसके अंदर यह कुछ होता है, इसके अंदर आप देख सकते हैं, तो एक वाइट कलर का पाउडर फॉर्मेट में रहता है। उसके साथ में 10 ml की एक एनटिस्पोवीन होती है, या फिर आप सिंपल कह सकते हैं कि इसके अंदर एक तरीके से वाटर भरा हुआ है। हम सिंपल वाटर तो नहीं होता है, इसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर होता है। तो इंजेक्शन की मदद से 10 ml इसको निकाला जाता है और इसके अंदर डाला जाता है और दोनों को मिक्स कर लिया जाता है। फिर आप इसे इंजेक्शन के थ्रू या फिर कैनुला के थ्रू किसी भी फॉर्मेट में आप IV से लगा सकते हैं। दोस्तों, यह तो इसका सिंपल सा फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई इंसान है जिसकी बॉडी पर पेंटॉप का इस्तेमाल ज़्यादा होता है या उसकी बॉडी पर यह सूट नहीं होता है, तो उसको क्या क्या साइड इफेक्ट आ सकते हैं। सबसे पहले तो कुछ साइड इफेक्ट, जैसे कि उसका जी मिचलाएगा, नोजिया वॉमिटिंग होने के सिम्टम्स सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सेकेंड नंबर पर उन लोगों को हेडेक भी हो सकती है, डिजीनेस भी आ सकती है। कुछ लोगों को बार बार फ्लूटेंस की दिक्कत हो सकती है, बार बार गैस बन सकती है, डायरिया होने के भी कुछ जगह चांस देखे जाते हैं, और पेट के अंदर दर्द भी हो सकता है। तो ये इसके कुछ साइड इफेक्ट हैं। हालांकि 100 में से किसी एक के अंदर यह देखने को मिलता है, हालांकि हर किसी के अंदर यह सिम्टम्स नहीं देखने को मिलते हैं। 56 रुपये इसका जो MRP है, लगभग आपको 50 रुपये के अंदर यह किसी भी मेडिकल स्टोर पर, फार्मेसी पर मिल जाएगा। आप लेना चाहें तो पेनविस्टा का ले सकते हैं, अदरवाइज आप पेंटॉप का लें, वो भी ज़्यादा अच्छा रहता है। दोनों में से आप किसी का भी इस्तेमाल करें। जिन लोगों को बार बार गैस बनती है, उनके लिए पेंटॉप की गोली भी इस्तेमाल की जानी चाहिए। और सबसे पहले आप अपने जो नज़दीकी डॉक्टर है उसको दिखाने का प्रयास करें, बाद में किसी भी तरीके से आपको खुद से इन दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।